जय हिंद। कहाँ हाल चाल है हो छुआ लोगिन बाबू। होठा की ये सिलेक्शन सीरीज की आपकी दूसरी वीडियो दी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई वा तोरा रोज 10 बजे 10 ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम आधारित क्वेश्चन होंगे। ऐसे समझिए बाबू कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेक्शन सीरीज का ये जो प्रश्न आपसे आपको दिया जा रहा है, यही सिलेक्शन सीरीज के प्रश्न आपको आपकी सफलता के नजदीक लेकर के जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि 10 बजे द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे 10 बजे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। या हो भाई वाह, पहला क्वेश्चन वहां तो देखे हो। और एक बात और बाबू, आप कॉमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बताएंगे कि 10 में से आप कितना सॉल्व कर पाए। अगर आप इतना भी टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो एक जमा का लिखिएगा हो। 10 में से आप कितना कर पा रहे हैं, अगर आप 10 में 10 कर लेते हैं तो हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे। अगर आप पहले शुरुआत तो कीजिए 10 में से आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। जैसे ही 10 में 10 आपका आने लगेगा, 10 में से 9 आने लगेंगे, उसी समय हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे। बाबू आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो ये चीज़ें हमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को आप शेयर मत कीजिएगा बाबू, से जिसको ज़रूरत होगा वो आ जाएंगे। कमेंट आपको करना, अपने काम की बातें यहाँ आपको करनी है कि आप किस प्रकार से आपकी तैयारी है और 10 में से आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन वहाँ है हो भाई वाह, कि सहयारी के माने की है वो है हो। ऑप्शन ए है दुश्मनी, ऑप्शन बी है रिश्तेदारी, ऑप्शन सी है दोस्ती या ऑप्शन डी है बहन। ये आपकी सिलेक्शन सीरीज की एक दूसरी वीडियो है जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके समक्ष लाया गया है और इस टेस्ट में आपके 10 क्वेश्चन में कितने नंबर आते हैं यही आपको आज देखना है। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है बाबू, क्योंकि ये जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा तुरंत पीडीएफ दे दिया जाता है और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जा रहा है। इसका सही जवाब होगा बाबू दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है भैया, तनी अगर बढ़िया से पढ़वे हो ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन के पैटर्न ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ऐसे पैटर्न के जो क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहीं से करनी है। क्योंकि बाबू सफलता की अगर मेन कुंजी अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस ही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जात छोड़न जात धरे, सहिया पताए घरे घरे, जकर संग है सहिया जोड़ाए, से नाता कभू न सिराय। बताओ हो भाई वाह, ऊपर उखरवल गेल पंगत कौन गीत के ला गए हो, बताइए। आपको ऐसा दे देगा चार गो लाइन और पूछेगा बताओ हो बाबू ई जे लाइनवा हकै हो उ कौन गीत के लाइन हकै। जात छोड़न जात धरे, सहिया पताए घरे घरे, जकर संग है सहिया जोड़ाए, से नाता कभू न सिराय। ऑप्शन ये है हो बाबू कोहबर गीत के लाइन है कह हो, पंगे थके हो, या कर्मा गीत के पंगे थका, सहियारी के पंगे थका, या सोहराय गीत के पंगे थका। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीजें आपके दिमाग में आ गई होगी कि ना ये तो हको सहियारी के, सहियारी गीत इसका सही जवाब अर्थात ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बनवा ही फूल धोवैया फूलवा, बनवा इंजोर भैल हो, घरवा ही जन्म ले बेटी या अंगनवा इंजोर भैल हो, ऊपर देल पाता कैसन गीत ला गए। बताओ हो बाबू ऊपर जो लाइन दिया गया है वो लाइन के माध्यम से जो आपको गीत की कुछ पंक्तियां बताई गई है ये गीत कैसन गीत ला गए हो, छठियारी गीत ला गए, सोहराय गीत ला गए, सहियारी गीत ला गए, या बेटी के विदाई गीत ला गए। इसका सही जवाब होगा बाबू बनवा ही फूल ले धोवैया फूलवा, आपको पकड़ लेना चाहिए था कि ये जो है बाबू ये छठियारी गीत है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ये छठियारी गीत। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है और उसी लेसन से क्वेश्चन है कि ललना तिले तिले बाढ़े, पुता पुती अंगनवा में, ऊपर देल पंगत में प्रयोग करल गेल शब्द तिले तिले माने की हो है। क्वेश्चन का पैटर्न आप पहले समझेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे
ऑप्शन ए है जल्दी जल्दी, ऑप्शन बी है धीरे धीरे, ऑप्शन सी है दुई, और ऑप्शन डी है कोई ने। अरे ललना तीले तीले बाढ़ है पुता पुती अंगनवा में, ऊपर देल पंगत में परजो करल गेल सबाद, तीले तीले माने की हो है जल्दी जल्दी, धीरे धीरे हो भैया, दुइयो हो वो है या कर में कोई ना। तो इसका सही जवाब होगा बाबू जल्दी जल्दी। अब लोग आ रहा है छठियारी में आशीष देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, तो जल्दी जल्दी किसी भी क्षेत्र में उसे बढ़ने की कामना ही करेगा। या हो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज़ हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं, हालांकि यहाँ एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको यहाँ जांचने मापने और भापने आए हैं कि 10 में से आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। 10 में 10 हो, 10 में 8 हो जाए, 10 में आपको 9 हो जाए, उस दिन क्वेश्चन की संख्या यहाँ से बढ़ा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि बोनवा ही फूल धोवैया फूलवा, हियाँ धोवैया फूलवा के संज्ञा केकरा दिहल गेल है हो बाबू। ऑप्शन ए है नाती के, ऑप्शन बी है बेटी के, ऑप्शन सी है बेटा के, और ऑप्शन डी है केहू नय। सही जवाब आपका होगा बाबू बेटी के। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दे बाबू कि अगर आप कंप्लीट जेएसएससी सीजीएल या नगर पालिका का कंप्लीट खोटा क्लास आप करना चाहते हैं तो आपको 697 रुपये में द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप पे करवाई जा रही है, जहां आपको कंप्लीट डिटेल में वीडियो दिए जाएंगे, जिसका मतलब समझिए कि कोई जोड़ नहीं है, नोट्स ऐसे हिंदी अनुवादित रहेंगे जो आपको कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी दिए जाएंगे, प्लस वहां बुक भी दिया जाएगा। सीधा सीधा आप ये समझिए कि अगर 100% अगर आप नंबर लाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई संदेह होगी या आपको किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी करनी हो तो 9771108032 पे कॉल करेंगे, अन्यथा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप का लिंक आपको दिया जा रहा है, वहां से आप डाउनलोड करके वहां खुद इनरोल कर लेंगे। वहां सारा इनरोल करने के बाद सारा कंटेंट वहां अपने आप खुल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको लग रहा है कि भैया 697 रुपये में हम वीडियो आपका नोट्स नहीं चाहिए, खाली हमको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे हो, तो 297 रुपये में अभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप पर दिया जा रहा है, जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन बाबू जहाँ से आपके कोई प्रश्न नहीं छूटेंगे, चैप्टर वाइज समझिए कि खखोर के क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप आगे की क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है कि बताओ हो भैया सहियारी गीत लोग कही लगाओ हथिन हो, सहियारी गीत लोग क्यों गाते हैं, शिशु के रख ले मतलब रेखा ले है ना, यहाँ आकार छूट गया, रही खा ले शिशु के आशीष दे हथिन हो, शिशु के स्कूल जाए ले या ये सब है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उचित जवाब क्या होगा बाबू। ठीक है रक्षा के लिए भी मैंने कह सकते हैं, लेकिन इसका एक उचित जवाब क्या होगा, तो शिशु के आशीष दे हथिन, बच्चा को आशीष दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कोयरा तो रहते जो दी काटा गढ़ल हाते हैं, काटा गाढ़ाबो सैया, काटा गाढ़ाबो सैया हमें धरी दाते हैं, घावें लगेबो सैया पीसी बोने के जैर ऊपर दिल पंगत, कौन गीतक पंगत लागे हो बाबू, बताई कौन गीत के पंक्ति है कहे हो कि कोयरे तो रहते जदि काटा गढ़ल हाते हैं, काटा गाढ़ाबो सैया हमें धरी दाते हैं, घावें लगेबो सैया पीसी बोने के जैर ऊपर दिल पंगत, कौन गीतक पंगत लागे हो। कते सुंदर छोटा नागपुर के है, बोने पाकले सैया कोयर के है, हमर झारखंड महान के है या मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, कौन गीतवा के पंगे थक है बताओ हो बाबू। इसका सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन बी। आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि बोने पाकले सैया कोर के गीतकार कौन है, बोने पाकले सैया कोर के गीतकार कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और आज का 8वां नंबर क्वेश्चन है, बोने पाकले सैया कोर कौन शैली के गीत लागे हो, संवाद कथा मैंने संवाद शैली का, कथा दुयो या ये सभी। जितना स्पीड आप हम आपको यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं उतना ही स्पीड में आपको यहाँ जवाब भी कमेंट सेक्शन में देना है, काहे कि एग्जाम में आपको इतने टाइम दिया जाएगा और हम उसी आधार पे आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में आपको समय की कमी महसूस ना हो। ये बाबू एक संवाद प्रकार की ये आपकी गीत है, संवाद ही है। तो बाबू औरत और मर्द जो है
वो बात ही तो करता है कि हम जाएंगे जंगल, जंगल जाएंगे कोर तोड़ने के लिए, उसी में से तो वार्तालाप होती है। यही चीज तो यहाँ तक संवाद ही तो हो रही है। नौवा नंबर क्वेश्चन, सांझे हाँसे झींगा फूल के गीतकार के हथिन हो बाबू? शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी हो, डॉक्टर महेंद्रनाथ गोस्वामी सुधाकर जी हो, दिनेश कुमार दिनमणि जी हो, या सुकुमार जी हो? तो इसका सही जवाब आपको बताना है, सांझे हाँसे झींगा फूल के गीतकार के हथिन, तो डॉक्टर महेंद्रनाथ गोस्वामी सुधाकर जी हैं। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि नदियां उमड़ दुयो कुल रे भादर मासे, ऊपर दिल पंगत कुल शब्द के माने बतावा हो बाबू? नदियां उमड़ दुयो कुल रे भादर मासे, ऊपर दिल पंगत में कुल शब्द के माने बतावा हो बाबू? सागर होता है, सहायक नदी होता है, किनारा होता है, या इसमें से कोई नहीं होता है? तो इसका सही जवाब आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है। मुझे उम्मीद है कि 10 में से आप 10 जरूर कर पाएंगे, या कितना आप कर पाए आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर ये बताएंगे, आप 10 में से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। इसका सही जवाब होगा बाबू किनारा। और यहाँ आपकी ये सेशन समाप्त हो जाती है। तो ठीक है, छुआ लोगिन बाबू, मिलते हैं कल फिर सुबह आपको यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ 10 बजे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब ठीक है, छुआ लोगिन बाबू, मिलो ही ये बाद में हूँ कौनो दूसर वीडियो में। तब तक रखे हैं अपन ध्यान। जय हिंद।